नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रीम के बारे में जो दाद खाज खुजली में यूज़ होती है और ये दाद खाज खुजली की एक बहुत अच्छी क्रीम होती है। दोस्तों, एक्चुअली इस क्रीम का उपयोग हम लोग स्पेशली दाद में नहीं करते हैं, लेकिन खाज में कर सकते हैं। या अगर आपको छोटी छोटी दाद जो जननांगों के पास में होती है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास में होती है, जागहों पर होती है, तो वहाँ पर खुजली होती है ना, तो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का जो स्किन का इन्फेक्शन है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसके यूज़ के बारे में। तो एक्चुअली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रीड्रम आरएफ क्रीम के बारे में। ये एक प्रकार की दाद खाज खुजली और स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली एक क्रीम होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये क्रीम कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या होता है, इसकी और कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है जो आप ले सकते हैं, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कुछ आपको ध्यान रखना होता है, और इसको यूज़ कैसे करना है, जो सबसे ज़रूरी बात है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्वाड्रीड्रम आरएफ क्रीम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये एक प्रकार की एक ऐसी मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है जो अलग अलग प्रकार के स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो क्रीम है वो हमारे स्किन के ऊपर से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को ख़त्म करता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है जिसकी वजह से आपको वहाँ पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, इचिंग हो रही है, तो उसको ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है, इसलिए ये हमारे स्किन के ऊपर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यानी कि बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है और उनको नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों, ये क्वाड्रीड्रम जो आरएफ क्रीम होती है ये एबॉट फार्मा के द्वारा बनाई जाती है और मार्केट में ये 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक के क्रीम में आती है, जिसकी प्राइस 50 रुपये से 70 रुपये हो सकती है। यानी कि 50 रुपये से 70 रुपये में इसकी 5 ग्राम की जो क्रीम आती है वो आती है। आपके मार्केट में ये वेरी कर सकता है, कहीं कहीं मार्केट में अगर आप छोटी मार्केट में लेते हैं तो आपको ये क्रीम सस्ती भी मिल सकती है, बड़ी मार्केट में आपको थोड़ी महंगी भी मिल सकती है। बाकी इसका जो 5 ग्राम का प्रिंट रेट करीब 57 से 60 रुपये होता है, तो आपको उसी के करीब ही आपको मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रीड्रम आरएफ क्रीम के कुछ दूसरे ब्रांड्स के बारे में, तो दोस्तों इसमें ये डाइप्रोलाइट क्रीम के नाम से आती है, इसके अलावा ये बेक्लोमान सीएन क्रीम के नाम से आती है, क्लोविफाइन के नाम से आती है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें इसके यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ क्या होता है, तो एक्चुअली इसके अंदर में 3 चीज़ें होती हैं। पहला इसमें होता है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, जो एक प्रकार का स्टेरॉइड है। नियोमाइसिन एक प्रकार का यहाँ पे होता है एंटी बैक्टीरियल, और क्लोट्राइमाजोल जो एक प्रकार का एंटी फंगल होता है। तो बेक्लोमेथासोन एक्चुअली एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है जो हमारे स्किन के अंदर में जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन फैलाते हैं, जो स्किन को रेड करते हैं, सैलो मतलब उसको सूजन लेके आते हैं, इचिंग उत्पन्न करते हैं, बेक्लोमेथासोन उन केमिकल्स को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये इस तरह के सिम्टम्स को ख़त्म करने का काम करती है। इसके अलावा नियोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो हमारे स्किन के ऊपर से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको रोकने का काम करता है। वहीं क्लोट्राइमाजोल एक प्रकार का एंटी फंगल एजेंट होता है जो हमारे स्किन के ऊपर से जो फंजाइज होते हैं स्किन के ऊपर उनको स्टॉप करने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। जोल शब्द से आप पता कर सकते हैं, एक्चुअली जोल नहीं, एजोल शब्द से आप पता कर सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार की एंटी फंगल मेडिसिन है। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज करने लग जाते हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं? दोस्तों, इससे अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लगाते हैं तो इसकी वजह से आपको इचिंग महसूस हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पे आप लगाए हुए हैं वहाँ पे ड्राइनेस महसूस हो सकती है, यहाँ पे रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन भी अनुभव हो सकता है एप्लीकेशन साइट पे अगर आप अधिक मात्रा में लगाते हैं या आप इसके प्रति एलर्जिक हैं। इससे तक कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ते। और अगर हम बात करें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, यानी कुछ बातों का ध्यान रखने की, तो सबसे पहले तो आपको इसको तब यूज़ नहीं करना है जब आप इसके प्रति एलर्जिक हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसकी डोज ज़्यादा यूज नहीं करनी, यानी कि अगर आपको कहा गया है कि आप सुबह शाम यूज करें तो आप 4 बार यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा ना कि आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे और मेडिसिन आपको नुकसान करने लगी। ये बोल रहे हैं यार शरीर के ऊपर से ही तो लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो शरीर के अंदर जाता है और फिर आपको नुकसान करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये केवल एक्सटर्नली यूज किया जाता है, यानी आप इसे खा नहीं सकते हैं, मुँह के अंदर नहीं लगा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना होता है।
इसके अलावा लास्ट में अगर हम लोग बात करें जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसको कैसे लिया जाता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसकी एक थिन लेयर आपको अपने अफेक्टेड एरिया पर लगानी होती है। ध्यान रखें कि केवल अफेक्टेड एरिया पर लगाएं, जहाँ पर दांत खाज खुजली है वहीं पर लगाएं, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और आपका जो क्रीम है उसकी बचत भी होगी। और एक थिन लेयर लगानी है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जब इसे आप लगा लें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने हाथ को अच्छे से धो लें, और इसको लगाने से पहले भी आपको हाथ को अच्छे से धो करके उसे ड्राई करना होता है। इससे होता क्या है ना कि मेडिसिन में एडल्ट्रेशन नहीं होता और वो आपको ज़्यादा फायदा करती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये एक्चुअली अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तभी ये फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन यूज़ कर लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगी। इसलिए ध्यान रखें कि इसका एक अपना टाइम पीरियड होता है, तो करीब एक हफ्ते तक आपको यूज़ करना ही चाहिए। अगर तब नहीं सही होता है तो अपने डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि आखिर क्यों वो सही नहीं हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक आपका 4 से 5 दिन में दांत खाज खुजली इस मेडिसिन से सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया क्वाइडर्म क्रीम के बारे में, जो एक प्रकार की ऐसी क्रीम है जो एंटी फंगल होती है और दांत खाज खुजली में बहुत अच्छी होती है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा और हमारा हेल्थ मुखिया चैनल भी एक बार जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।